जी दोस्तों, इस वक्त मैं सफर कर रहा हूँ जी सालेम हाईवे पे, बेसिकली जिसको काबिल कंदूज हाईवे भी कहते हैं, और मशहूर जो दर्रा है सालेम पास वो भी इसी पे वाकया है। और ये इस वक्त जो है, ये तकरीबन जिस इलाके से मैं गुजर रहा हूँ ये सूबा परवान का इलाका है। ऑलमोस्ट तकरीबन 3.5 घंटे हो गए मेरे काबिल से निकले हुए सफर करते हुए, और अब मैं ये सालेम पास का जो इलाका है उसमें मैं दाखिल हुआ। ये सड़क और ये टनल जो है ये बेसिकली 1964 में कंप्लीट हुई है, और ये सोवियत यूनियन ने बनाई थी, और स्ट्रेटेजिकली इस रोड की बड़ी इम्पोर्टेंस थी क्योंकि ये वाइड रोड था जो सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से मिलाता था। और ये जो टनल है ये हाईएस्ट टॉप इसकी जो है वो तकरीबन 12,723 फुट जो है वो बुलंद है। तो सर्दियों में चूंकि ये बर्फबारी की वजह से ये इलाका कट जाता था, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का रबता मुमकिन नहीं था। तो ये उस वक्त फिर सोवियत यूनियन ने ये टनल बनाई थी, और इसी रास्ते से जो है रूसी जो अफवाज थी वो काबल में दाखिल हुई थी। ये देखें कि कितना बड़ा ज़िगज़ैग बना हुआ है, बिल्कुल यानी एकदम से चढ़ाई नहीं है लेकिन ग्रेजुअली या आप मुसलसल चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। बीच में छोटी छोटी टनल्स आती हैं और पास इस लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए कुछ बनाए गए हैं, लेकिन जो हाइएस्ट जब पीक पे आप पहुँचते हैं दरे की टॉप जिसको आप कहते हैं, मिट्टी का एक तूफान है, पुख्ता सड़क का नाम निशान नहीं है। और ये देखें कि वीडियो पर जाना भी मुश्किल है क्योंकि एक बिल्कुल इस तरह से आप गोपन अंधेरे में चले जाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बनाई गई है, डायरेक्ट सनलाइट का भी यहाँ पे है, लैंडस्लाइडिंग को भी रोकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी टनल है इसमें वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर जो है वो उसकी लेंथ। ये देखिए, एक से आप निकलते हैं तो दूसरे में दाखिल हो जाते हैं, और ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अल्लाह अलम ये कंप्लीट, तो जो मैंने पढ़ा इसके बारे में 1964 में कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके बाद जंग की जो तबाहकारियां थी उसमें इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। खास तौर पर अपने वक्त के मशहूर गोरिल्ला कमांडर और शेर पंजशेर कहलाने वाले नॉर्दर्न अलायंस के जो चीफ थे अहमद शाह मसूद, उसके ग्रुप ने 1997 में बारूद से इन टनल्स को उड़ा दिया था, और मकसद ये था कि तालिबान को नॉर्दर्न अफगानिस्तान में दाखिल होने से रोका जा सके। और यूं ये फिर एक बार फिर से ये टनल्स और ये सालेम पास पूरा दुबई के धाने पे पहुंच गया। लेकिन बाद में 2002 में रशिया ने ही इसकी मुरम्मत पर दोबारा से काम शुरू किया, और ताहाल जो मेरा हालिया विज़िट है, काम इस पे जारी है, बहुत हद तक चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल काम अभी जारी है इस पे।
सालंग पास से नीचे उतर के अब ऑलमोस्ट मैं प्लेन एरिया में आ गया हूँ, लेकिन डस्ट जो है उसका जो तूफान है वो यहाँ तक है। यहाँ पे तो काफ़ी आबादी भी पाई जाती है, बाजार भी है, तो कैसे इन लोगों का यहाँ पे मुश्किल गुजारा हो रहा होगा। बहरहाल आप बाकी वीडियो को देखें और इंजॉय करें।
सत्संग।